वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको टॉप 5 ऐसे चेंजेस बताने वाला हूं अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के, जो कि दोस्तों इस अपडेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो मिथ्स के ऊपर बनाने वाला हूं, तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में दोस्तों भर भर के मिथ्स कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको मैं ट्राई कर सकूं। चेंज नंबर फर्स्ट है, तो दोस्तों आपको सबसे बेस्ट चेंज कौन सा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बता देना वीडियो के एंड में। तो दोस्तों अपना फर्स्ट चेंज होने वाला अपने न्यू हाउस के, और दोस्तों आपको आ जाना अपने न्यू हाउस के यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि दोस्तों जो अपना चेंज है वो नाइट मोड के अंदर हुआ है। तो दोस्तों आपको नाइट मोड को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही नाइट मोड एक्टिवेट होगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो अपनी लाइट्स लगी हुई थी हाउस के अंदर वो दोस्तों पहले वर्क नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों अब वर्क होना शुरू हो चुकी है। रोहित सर ने दोस्तों अपडेट के काफी टाइम के बाद ये वाली चीज अपने को बताई, तो दोस्तों इसको मैं अपडेट की वीडियो के अंदर नहीं बताया पाया था, इसलिए दोस्तों मैंने ये सोचा कि एक वीडियो और बना लेते हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों जो अपना सेकेंड फ्लोर है उसके ऊपर लाइट एडिट नहीं हुई है, उसका मेन रीजन यह है कि दोस्तों अभी तक जिम पे वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों अपनी जिम पे वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रोहित सर से बोल के वहां पे भी लाइट को एडिट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वाला चेंजेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चेंज नंबर टू, तो दोस्तों अपना जो सेकेंड चेंज हुआ है वो हुआ है दोस्तों अपने हाउस के सामने वाले बीच पे, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो पानी है दोस्तों का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। पहले दोस्तों इस पानी का कलर बिल्कुल ही अपने को आसमान के कलर जैसा दिखता था, मतलब कि दोस्तों ब्लू कलर का अपने को पानी देखने को मिलता था जो कि अभी अपने स्विमिंग पूल के अंदर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और दोस्तों अपना जो ट्रेन स्टेशन के पास वाला जो पानी है उसका कलर भी दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुका है। और तो आपको इन दोनों में से कौन सा कलर सबसे बेस्ट लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चलो दोस्तों यहाँ पे एक राइड कर लेते हैं अपनी न्यू वाली बोट के साथ जो कि गेम के अंदर ऐड हो चुकी है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो बोट है इसमें कुछ ग्लिचेस अभी भी फिक्स नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अभी भी आप लोग देख सकते हो पानी हुआ भरा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके बारे में बताता है कि इसमें अभी तक ग्लिचेस फिक्स नहीं हुए। जैसे दोस्तों ग्लिच फिक्स हो जाएंगे मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। और दोस्तों ये वाली बोट पानी के बाहर नहीं चलती है। चलो दोस्तों मैं आपको अपने ट्रेन स्टेशन के पास वाले तालाब का पानी भी दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हो यहां का पानी बिल्कुल ही बीच के पानी जैसा देखने को मिल रहा है, जो कि इसका कलर भी दोस्तों यहां पे ग्रीन हो चुका है। पहले दोस्तों अपना पानी जो था वो ब्लू कलर का होता था, लेकिन दोस्तों यहां पे काफी ही खतरनाक चेंज किया है रोहित सर ने, जो कि दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा बेस्ट लगा। और इसके नीचे घास जो है इससे दोस्तों इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देखने को मिलता है, काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पे पानी देखने को मिला है बिल्कुल ही रियल वाटर के। जिस अब चलते अपने नेक्स्ट चेंज की तरफ, चेंज नंबर थ्री। तो दोस्तों अपना तीसरे नंबर का जो चेंजेस हुआ है अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का वो हुआ है दोस्तों अपने जुरासिक पार्क के अंदर। और जुरासिक पार्क के अंदर जाने से पहले दोस्तों इन्फिनिटी हेल्थ जरूर एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि दोस्तों अपने जुरासिक पार्क के अंदर खतरनाक डायनासोर को एड कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हो हमारे सामने ब्रिज सोरेज डायनासोर है, जो की दोस्तों अपना फैमिली फ्रेंड होने वाला है। लेकिन जो अपना सेकेंड वाला डायनासोर स्पाइनासोरेज डायनासोर आप लोग देख सकते हो काफी ही ज्यादा खतरनाक डायनासोर है, इसी के लिए मैंने आप लोगों को इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लगाने को बोला था। दोस्तों अगर आप बिना इन्फिनिटी हेल्थ चीट कोड के जुरासिक पार्क के अंदर दाखिल होने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो डायनासोर है वो आपको यहाँ पे खत्म कर देगा, आपको गेम से बाहर निकाल देगा। और दोस्तों जुरासिक पार्क के अंदर एक बैड न्यूज भी चेंज हुआ है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अपने गेम के अंदर पहले TRX और अपना वैल्यू सिलेक्टेड डायनासोर हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अब अपने रोहित भाई ने इस गेम की जुरासिक पार्क के अंदर से उन दोनों को रिमूव कर दिया है। सिंपली दोस्तों आप उन दोनों को सिर्फ चीट कोड की सहायता से स्पॉन कर सकते थे। तो दोस्तों ये चेंज थे जुरासिक पार्क के।
चेंज नंबर 4। तो दोस्तों अपना चौथे नंबर का जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है दोस्तों ने पुलिस स्टेशन के अंदर। तो चलो दोस्तों फटाफट चेकआउट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खंभे लग चुके हैं अपने लाइट के, जो कि इसके नाइट मोड में इसको काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और आप लोग देख सकते हो अपने जो पुलिस स्टेशन है उसके यहाँ पे दो कांस्टेबल को एड कर दिया गया, जिसके हाथों में AK-47 है। और सामने आपको रिस्पेक्शन जो टेबल दिखती है इसके ऊपर दोस्तों आपको 3 इंस्पेक्टर देखने को मिल जाते हैं और कुछ NPC भी बैठे हुए देखने को मिलते हैं। और लास्ट में जो अपना जेल है इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे KD भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जो अपना सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर अभी भी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पे नाइट मोड के अंदर पुलिस स्टेशन का लुक देख सकते हो। दोस्तों लाइट के डेकोरेट होने के बाद अपने पुलिस स्टेशन के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर जाओगे तो दोस्तों यहाँ का जो लुक है वो दोस्तों बिल्कुल ही हटके अपने पूरे के पूरे मैप से। और आप लोग देख सकते हो यहाँ की जो लाइट्स है वो व्हाइट कलर की होने वाले, जिससे दोस्तों अपने को पूरा का पूरा रात का नजारा या लुक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अपने सेकेंड फ्लोर पे कोई भी लाइट को एडिट नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद रोहित सर यहाँ पे भी लाइट को एड कर देंगे। तो दोस्तों ये तो थे अपने कुछ पुलिस स्टेशन के चेंज जो कि इस अपडेट में आए थे। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट चेंज की तरफ, चेंज नंबर 5। तो दोस्तों नेक्स्ट चेंज अपना काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों ये अपने वीडियो का लास्ट चेंज होने वाला है। चलो मैं आपको फटाफट चेंजेस के बारे में बता देता हूँ। तो चलो मैं फटाफट यहाँ पे अपने RGS टूल को ओपन कर लेता हूँ और अपने UI को ऑन कर लेता हूँ, ताकि दोस्तों आपको सारे के सारे चेंजेस क्लियरिटी में देखने को मिल जाए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे UI को ऑन कर लिया है और दोस्तों चेंजेस हुए अपने कुछ बाइक्स कार और चीट कोड्स के अंदर। तो दोस्तों चलो फटाफट मैं आपको फर्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे सामने आ चुकी है पल्सर RS 200, लेकिन ये काफी ज्यादा पुराना मॉडल हो चुका था, जो कि दोस्तों रोहित सर ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। और इसका लुक अगर आप लोग नाइट मोड के अंदर देखोगे तो काफी ही हटके मिलने वाला है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे नाइट मोड को एक्टिवेट कर लिया है और इसकी जो लाइट्स है दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसकी लाइट भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये तो था चेंजेस अपने पल्सर RS 200 का। चलो फटाफट यहाँ पे अब चलो मैं आपको फटाफट नेक्स्ट चेंज यानी नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट चीट कोड जैसे आप 0015 डायल करोगे तो आपके सामने आ जाएगी यामा की R15। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा पुराना मॉडल हो चुका था, जो कि रोहित सर ने इस अपडेट में रिप्लेस कर दिया। लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर मेरे को ऐसा कुछ खास देखने को चेंजेस नहीं मिला है, फिर भी दोस्तों रिप्लेस हुई है तो दोस्तों आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट चीट कोड के चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे 50 डायल करते हो अपने फोन के अंदर तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है अपना वैल्यू सिलेक्टर, जिसके ऊपर दोस्तों आप लोग राइड नहीं कर सकते हो। दोस्तों वो होने वाला अपना 50-50 पे, जिसके ऊपर आप लोग राइड कर सकते हो। आप लोग जैसे अपने 50-50 वाले डायनासोर यानी अपने वैल्यू सिलेक्टर डायनासोर के ऊपर राइड करते हो, अगर आप बिल्डिंग से जंप करते हो दोस्तों तो आपको चेक्टर को बिल्कुल भी डैमेज ही नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जंप भी करके दिखा देता हूँ। ये चेंजेस दोस्तों इसी अपडेट में आपको देखने को मिले हैं। और पंच के अंदर भी आपको एक चेंजेस देखने को मिला है, अगर आप पंच के ऊपर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें रेड कलर की लाइट जलेगी। चलो दोस्तों अब मैं बाकी चीट कोड आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अपना फर्स्ट चीट कोड है 9191। दोस्तों अपनी काफी ओल्ड थार थी जिसको दोस्तों फिर से गेम के अंदर ऐड कर दिया गया है, और अपनी मॉडिफाई थार का चीट कोड तो आप सभी को पता है। और जैसे आप लोग गेम के अंदर 3001 डायल करोगे तो आपके सामने बोट स्पॉन हो जाएगी, जो कि दोस्तों इस अपडेट का सबसे बड़ा व्हीकल्स यानी बोट होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण चीट कोड। उसके बाद दोस्तों अपने जॉयस्टिक पार्क के सबसे बड़े बड़े एनिमल्स यानी दोस्तों अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के सबसे बड़े एनिमल्स के चीट कोड है 515253। दोस्तों TRX का 5152 होने वाला अपना इन स्पाइनोसॉरस, और दोस्तों अपना 53 होने वाला है सबसे बड़े डायनासोर ब्रिचियोसॉरस डायनासोर का। तो दोस्तों ये तो थे एनिमल्स के चीट कोड। तो फाइनली दोस्तों आज के अपडेट के सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए, और नेक्स्ट वीडियो मिथ्स पे आने वाला है तो भर भर के मिथ्स के कमेंट कर देना।